साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं रीट 2022 में जो आपके दो एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो दोनों पेपरों की तैयारी करनी चाहिए या फिर हमें पहले फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए और उसके बाद क्या सिलेबस आरटेट जो 2011 में आपका एग्ज़ाम हुआ था जो सिलेबस था वैसा ही रहेगा या फिर कुछ चेंज होगा। ठीक है, देखो साथियों, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, आपका सिलेबस पूरी संभावना है कि 99% आपका सिलेबस वही रहेगा क्योंकि सरकार के पास इतना समय नहीं रहेगा कि भाई इतना माथा पच्ची करे। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना, पूर्ण रूप से कहना चाहूंगा कि सिलेबस आपका वही रहेगा और आप उसी के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें। ठीक है, ऐसा ना करें कि कभी आप सिलेबस के चक्कर में बैठे रहें और समय आपसे बहुत ही आगे निकल जाए और आप पीछे रह जाएं। ठीक है, अब साथियों बात कर लेते हैं कि हमें दोनों पेपरों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए या फिर पहले फर्स्ट पेपर की। देखो साथियों, आपका जो सेकेंड पेपर है वो आपके फर्स्ट पेपर होने के बाद आपको लगभग 2.5 या 3 महीने का समय मिलेगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि मेरे दोस्तों आपको पहले फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, सेकंड पेपर है उसको आप मात्र जैसे कि भाई आपने 95% फर्स्ट पेपर की तैयारी कर ली तो 5% आप सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है उसको आप सिर्फ रिविजन कर सकते हो जल्दी जल्दी, लेकिन ध्यान रखना आपकी प्राथमिकता है फर्स्ट पेपर पर ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके दोनों हाथों में साथियों बंदूक हो फिर आप शिकार करने के लिए जाओ। ध्यान रखना, नहीं तो आपका निशाना लगेगा, नहीं आप शिकार को वहाँ से नष्ट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना फर्स्ट पेपर की जितना ज़्यादा हो सकता है आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी ताकि आप अपनी कैटेगरी के अनुसार जो भी रीट पास मार्किंग है उसको आप कंप्लीट कर पाओ। नहीं तो दोस्तों ये मौका है आपके हाथों से निकल जाएगा और फिर 2026-27 में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस मौके को आप हाथ से न जाने दें, मेरा ये मानना है। फर्स्ट पेपर को जी जान लगा कर मेरे दोस्तों लग जाओ, जुलाई में आपकी एग्जाम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें।